हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज बिहार का बहुत ही खासता ठेकुआ बन रहा है, तो चलिए देखते हैं। 2 कटोरी आटा ले लिए हैं, तीन हरी इलायची ले लिए थे उसे कूट लिए हैं, नारियल को मिक्सी में चला लिए थे इसे भी डाल देते हैं। 1 कटोरी से कम चीनी लिए हैं, 2 कटोरी आटा था तो 1 कटोरी से कम लिए हैं। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। वो बचा हुआ जो चीनी था कटोरी में उसे भी डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, नारियल, आटा, सूजी, चीनी सबको मिक्स कर लेते हैं। सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे, 50 ग्राम के करीब रिफाइंड तेल डाल देते हैं। अब तेल को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिलाना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हैं, तेल, चीनी, आटा, सूजी। ये इस तरह से जब मुट्ठी बन जाए तो समझ जाइए कि आपका मोयन अच्छी तरह से हो गया है। अब इसमें पानी का हल्का हल्का छींटा मार के इसे सानेंगे। ये देखिए, इस तरह से आटा को मिला लेना है, रोटी की तरह पूरा नहीं गूंदना है। और इस तरह का एक साचा ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और छोटा छोटा लोई लेंगे। आपको जो शेप में बनाना है उसे आप बनाइए, इस तरह से दबा दीजिए। इस तरह से इसको दबाइए, ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगा। लंबा लंबा वाला बना के भी दिखा देते हैं, इससे दबाना है इससे। और इस तरह का डिजाइन बनेगा। इस तरह से इतना बना लिए हैं। इसमें 3 तरह का डिजाइन है, आपको जैसा डिजाइन चाहिए बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए सारा ठेकुआ को इस तरह से बना के रख लिए हैं। और दूसरी तरफ तेल गरम हो गया है, अब गैस के फ्लेम को सिम पे कर दिए हैं और ठेकुआ को डालते जाएंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, नहीं तो चीनी पिघलने लगेगा तो फिर फ्राई करने में मुश्किल आएगी। इसी तरह से जितना एक बार में आ जाएगा डाल देंगे। अब इसे पलट देंगे। इस तरह से धीरे धीरे सबको पलट देते हैं और गैस के फ्लेम को कम रखिएगा। देखिए ये हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और दूसरी बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा तिरछा कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही खास्ता और टेस्टी बना है। और ऊपर से देखिए चीनी दिख रहा होगा, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना।